नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ प्रूव करने जा रहा हूँ नॉर्टन्स थ्योरम को। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसके आगे के लेक्चर में मैंने आपको प्रूव करके दिया था सुपरपोजिशन थ्योरम को और थेवेनिन्स थ्योरम को। जैसे ही मैंने आपको सुपरपोजिशन थ्योरम को और थेवेनिन्स थ्योरम को प्रूव करके दिया था, वैसे ही मैं इस लेक्चर में आपको नॉर्टन्स थ्योरम को प्रूव करके देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों प्रूव करते हैं नॉर्टन्स थ्योरम को। तो दोस्तों इस लेक्चर में प्रूव करने वाला हूँ नॉर्टन्स थ्योरम के एक एग्जांपल को, जो कि ये वाला वो एग्जांपल है। इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको नॉर्टन्स थ्योरम को प्रूव करके देने वाला हूँ। ठीक है, और उस प्रूफ में हम क्या करेंगे दोस्तों, इस आयल करंट को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस सर्किट डायग्राम। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं और प्रूव करते हैं नॉर्टन्स थ्योरम को। ठीक है, कंसिडर अ नेटवर्क कंटेनिंग वोल्टेज सोर्स वी एंड इम्पिडेंसेस जेड वन, जेड टू, जेड थ्री एंड जेड वन। मतलब कि इस नेटवर्क में एक वोल्टेज सोर्स है और चार इम्पिडेंसेस है। ठीक है, और हम क्या करने वाले हैं, इस नेटवर्क में हम आयल करंट जो है, जो कि इस इम्पिडेंस में से फ्लो हो रहा है, उसको हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो नॉर्टन्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों, इसका जो पहला मेश से जो इक्वेशन आएगा आयल करंट के लिए, वो हमको फाइंड आउट कर लेना होगा। और उसके साथ हमको क्या करना होगा, प्रूव करना होगा हमारा नॉर्टन्स थ्योरम का जो आयल करंट के लिए इक्वेशन आएगा, उसको हमें प्रूव करना होगा उस इक्वेशन के साथ। जब हमारे दो इक्वेशन वो मैच होंगे, तब हम कह सकते हैं कि हमारी नॉर्टन्स थ्योरम प्रूव होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम प्रूव करते हैं। पहले कि हम पहले इस सर्किट को मेश लॉ लगाकर, मतलब कि मेश मेथड से हम इसके दो इक्वेशन लिखते हैं और उस इक्वेशन को कंपेयर करके हम आयल करंट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर पहले मेथड है हमारी इसको प्रूव करने की, बाय मेश मेथड। ठीक है, बाय मेश मेथड। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे दोस्तों, इस सर्किट में मेशेस अवेलेबल करके देंगे और उस मेश में से हम केवीएल लॉ लगा के उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आई वन और ये इसको आई एल। ठीक है, तो मैं पहले मेश में केवीएल लॉ लगाकर इस मेश का जो इक्वेशन आता है वो फाइंड आउट करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अप्लाइंग केवीएल इन लूप वन। ठीक है, पहले लूप में मैंने अगर दोस्तों केवीएल लॉ लगाया तो क्या होगा दोस्तों, इक्वेशन माइनस वी प्लस जेड वन आई वन प्लस जेड टू आई वन माइनस आई एल इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ दोस्तों। ठीक है, जेड वन प्लस जेड टू आई वन प्लस माइनस जेड टू आई एल इक्वल्स टू वी। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूँ। ठीक है, ठीक ऐसे ही मैं क्या करूँगा, अप्लाइंग केवीएल इन दैट लूप। ठीक है, तो उस लूप के लिए क्या इक्वेशन आएगा दोस्तों, उससे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि किस लूप में हम केवीएल लॉ लगाकर इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। अप्लाइंग केवीएल इन लूप टू, तो दूसरे लूप के लिए क्या इक्वेशन आएगा दोस्तों, देखो जेड टू आई एल माइनस आई वन प्लस जेड थ्री आई एल प्लस जेड एल आई एल इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, माइनस जेड टू आई वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड वन आई एल इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको मैं सेकंड इक्वेशन दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मुझको आयल करंट फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूँगा और उस दो इक्वेशन में से मैं आयल करंट को फाइंड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वेटिंग या फिर सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, देन व्हाट वी गेट दोस्तों, वी गेट द वैल्यू ऑफ आयल दैट इज फ्रॉम दैट टू इक्वेशन। तो क्या होंगी दोस्तों, आयल की वैल्यू जेड टू वी अपॉन जेड वन जेड टू प्लस जेड वन जेड थ्री प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड वन जेड एल प्लस जेड टू जेड एल। तो दोस्तों ये वाली वैल्यू होंगी आयल की, जो कि हमने मेश मेथड से फाइंड आउट की है। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नॉर्टन्स थ्योरम से मतलब कि नॉर्टन्स मेथड से हम क्या करेंगे, इस आयल की वैल्यू को फाइंड करेंगे और इस वैल्यू के साथ मैच करेंगे। अगर हमारी वैल्यू इस वैल्यू के साथ मैच होगी तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि हमारा जो नॉर्टन्स थ्योरम है वो प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों अब हम नॉर्टन्स मेथड के थ्रू इस आयल वैल्यू की आयल करंट की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, नॉर्टन्स थ्योरम के थ्रू आयल करंट को फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए, आयल करंट को फाइंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके आगे के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में कुछ स्टेप्स। तो उस स्टेप्स के थ्रू हम क्या करेंगे, उस आयल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से पहली स्टेप क्या थी दोस्तों, यहाँ पे लिख लेता हूँ पहली स्टेप। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ आयन, मतलब कि हमको आयन करंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ आयन। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है दोस्तों, तो हमको दोस्तों क्या करना होगा, इसके लिए इस इम्पीडेंस को शॉर्ट सा रिमूव करना होगा और इसके बीच में शॉर्ट सर्किट मतलब कि आयन करंट को अवेलेबल करके उसको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो इस सर्किट को मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज होगा प्लस माइनस वी। ठीक है, सॉरी, ये जो है ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा है दोस्तों, आई एन। ठीक है, या फिर उसको हम ISC भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे Z1, Z2 और Z3। ठीक है, तो दोस्तों इस सर्किट में हम आयन करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ केवीएल लॉ। ठीक है, तो इस लूप में हमको केवीएल लॉ लगाने से पहले हम इस लूप में मेशेस को नाम दे देते हैं। ठीक है, ये वाली हमारी एक मेश होंगी और ये दूसरी। ठीक है, तो इसको मैं नाम देता हूँ, इस मेश को I1 और इस मेश को मैं नाम देता दे देता हूँ IN। ठीक है, तो हमको IN करंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस मेथड इस पहले स्टेप में। ठीक है दोस्तों, तो अप्लाई करता हूँ मैं इस लूप में केवीएल लॉ को, अप्लाई केवीएल इन मेश 1। ठीक है दोस्तों, मेश 1 या फिर लूप 1। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, मैं जब इस लूप में केवीएल लॉ अप्लाई करूंगा तो क्या इक्वेशन मुझे मिलेगा, देखो मैं आप लिख लेता हूँ, माइनस वी प्लस Z1 I1 प्लस Z2 I1 माइनस IN इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, मतलब कि I1 और IN के फॉर्म में। ठीक है, I1 की वैल्यू क्या होंगी दोस्तों, I1 की कौन सी टर्म होंगी, Z1 Z2 Z1 प्लस Z2 I1 प्लस माइनस Z2 IN। ठीक है, ये वाली वैल्यू टर्म होंगी IN की इक्वल्स टू V। ठीक है, इसको मैं थर्ड इक्वेशन नाम दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये वाला जो इक्वेशन हो गया वो इस लूप के लिए, अब इस लूप के लिए इक्वेशन निकालते हैं, ये जो है वो शॉर्ट है। ठीक है, इस लूप के लिए इक्वेशन निकलते हैं, उसके लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पे केवीएल लॉ लगा कर उस इक्वेशन को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है दोस्तों, अप्लाइंग केवीएल इन मेश 2। ठीक है, तो उस मेश के लिए क्या इक्वेशन आएगा दोस्तों, Z2 IN -I1 प्लस Z3 IN इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, -Z2 I1 प्लस Z2 प्लस Z3 IN इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मैं फोर्थ इक्वेशन नाम दे देता हूँ। अब देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, IN, और IN फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस दो इक्वेशन को इक्वेट करके IN की जो वैल्यू होंगी वो फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर इस दो इक्वेशन को इक्वेट करते हैं और आयन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, देन वी गेट
हमको क्या मिलेंगे दोस्तों, द वैल्यू ऑफ आयन। क्या वैल्यू मिलेंगी आयन की हमको दोस्तों, जेड टू वी अपॉन जेड वन जेड टू प्लस जेड वन जेड थ्री प्लस जेड टू जेड थ्री। ठीक है, ए वाली वैल्यू, ए वैल्यू मिलेंगी हमको आयन के लिए। ठीक है दोस्तों, जो कि हमको ए वाली वैल्यू मिली है पहले स्टेप में उसके। ठीक है, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, उसको मैंने ए नाम दिया था किसके, आयल की वैल्यू को। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई हमारी पहली स्टेप नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में। अब हमको दूसरी स्टेप में क्या फाइंड आउट करना होता है दोस्तों, नॉर्टन्स थ्योरम के जेड एन, मतलब कि इस नेटवर्क में इम्पीडेंसेस अवेलेबल है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जेड एन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जेड एन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों, हमको इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किटेड करना होगा। ठीक है, और इस दो टर्मिनल के बीच के ए वाले जो टर्मिनल हमारे ए और बी, इसके बीच में हमको क्या फाइंड क्या पुट करना होगा, हमको जेड एन पुट करना होगा, और उस जेड एन को हमें उस सर्किट में से फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, चलिए तो फिर उसका सर्किट निकालते हैं और जेड एन को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने जेड एन फाइंड आउट करने के लिए इस दो टर्मिनल के बीच में जेड एन को अवेलेबल करके दिया, और यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स था मैंने उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, तो अब जेड एन फाइंड कैसे करेंगे दोस्तों, देखो जेड वन जो है वो पैरेलल है जेड टू के साथ, और ए वाली जो दो टर्म है वो किसके साथ सीरीज में, इसके साथ। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो जेड एन इक्वल्स टू जेड वन इन पैरेलल विथ जेड टू एंड इन सीरीज विथ जेड थ्री। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो जेड एन इक्वल्स टू जेड वन जेड टू अपॉन जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेंगी हमको वैल्यू, जेड एन की वैल्यू मिलेंगी। क्या कैसी वैल्यू होंगी वो, देखो जेड वन जेड टू प्लस जेड वन जेड थ्री प्लस जेड टू जेड थ्री अपॉन जेड वन प्लस जेड टू। ठीक है, ये वैल्यू होंगी जेड वन जेड एन की, जो हमने उसके दूसरे स्टेप में फाइंड आउट की है। ठीक है दोस्तों, बाय शॉर्ट सर्किटिंग द वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो दोस्तों ये होगी नॉर्टन्स थ्योरम की तीसरी स्टेप। अब हमको तीसरी स्टेप में क्या फाइंड आउट करना होता है दोस्तों, जैसे कि हमने इसके नॉर्टन्स थ्योरम के दो स्टेप में हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, आयन करंट को और जेड एन रेजिस्टेंस को, इम्पीडेंस को। ठीक है, तो जैसे कि हमने इस दो पैरामीटर को फाइंड आउट कर लिया, तो उससे हमको क्या मिलेगा, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगा। ठीक है, तो हम अब तीसरे स्टेप में नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके ऊपर से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उसके आयन करंट को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो कैसे होगा दोस्तों नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, जैसे कि मैंने आपको इसके आगे के लेक्चर में उसके स्टेटमेंट में बताया था कि कैसे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में सर्किट को। हमारे दो टर्मिनल ए और बी, ठीक है, ये हमारा लोड रेजिस्टर लोड इम्पीडेंस जेड एल, और ये हमारा लोड करंट आई एन कह सकते हैं या फिर आई एल कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जेड एन जो हमने सेकेंड स्टेप में यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ठीक है, और ये हमारा करंट आई एन जिसे हमने पहले स्टेप में फाइंड आउट किया था नॉर्टन्स थ्योरम के। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ऐसे होना चाहिए हमारा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। इस सर्किट के थ्रू हमें क्या करना है, आयन करंट को फाइंड आउट करना है, जो कि हमने इसके पांचवें स्टेप में देखा था कि कैसे हम इस नॉर्टन्स थ्योरम को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, बाय यूजिंग अ करंट डिविजन रूल। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय यूजिंग करंट डिविजन जन रूल। तो इस रूल के बारे में भी मैंने आपको इसके आगे के लेक्चर में बताया था कि कैसे करंट डिवीजन रूल में हम कैसे करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो करंट डिवीजन रूल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको मैं आई एस सी लिख लूँ, नहीं रहने दो, कुछ नहीं होता,
आई एन इक्वल्स टू, इसको मैं आई एल लिख लेता हूँ, ठीक है? ठीक है दोस्तों, आई एल इक्वल्स टू क्या होगा, देखो आई एन इंटू छेड़ एन, ठीक है? इसके बारे में मैंने आपको इसके आगे के लेक्चर में बताया था, करंट डिवीजन के बारे में, ठीक है? जेड एन प्लस जेड एल, ये हो गया उसका टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों? तो ये हो गया दोस्तों आई एल। अब हमको आई एल करंट फाइंड आउट करने के लिए किसकी ज़रूरत है, इस फॉर्मूले के थ्रू आई एन करंट की और जेड एन की, ठीक है? जेड एल तो अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है? तो देखो हमारे पास आई एल भी है और आई जेड एन भी है, तो इस दो टर्म को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे और आई एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो देखो आई एल की वैल्यू क्या आती है, तो अगर मैं दोस्तों आई एन की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुटअप करूँ और जेड एन की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुटअप करूँ तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेंगी दोस्तों, देखो वी जेड टू अपॉन जेड वन जेड टू प्लस जेड वन जेड थ्री प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड वन जेड एल प्लस जेड टू जेड एल। तो ये वैल्यू मुझे मिलेंगी दोस्तों जब मैं आई एल और जेड एन की वैल्यू इस आई एल के फॉर्मूले में पुटअप करूँगा, ठीक है? तो दोस्तों जैसे कि मैंने मेश मेथड से इसकी आई एल की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो वो भी वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों, ठीक इतनी ही आई थी जो कि मैंने नॉर्टन्स थ्योरम के लिए फाइंड आउट की है, ठीक है? तो इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखो इक्वेशन ए एंड बी बोथ आर इक्वल, दैट्स व्हाई मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इक्वेशन ए इक्वल्स टू इक्वेशन बी, ठीक है? इसके वजह से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हेंस थ्योरम इज प्रूव्ड। ये कौन सी थ्योरम हमने प्रूव की, नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों ये हो गया नॉर्टन्स थ्योरम का प्रूफ, जो कि हमने इसको प्रूव किया है उसके स्टेप्स के थ्रू, ठीक है? चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।